वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लेक्चर 2। यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकालते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। बट अब आज की क्लास में हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं? अब इसमें दो वर्ड होते हैं, लेमा और एल्गोरिथम। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, एल्गोरिथम इज अ स्टेप्स। तो हम ज़्यादा इसके डिटेल में न जाकर, यूक्लिड दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, मतलब कहता है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो डिवीजन लेमा की बात करते हैं। स्लाइड लिखना इस पे, नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड वॉज मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन के अंदर बोला, लेमा भी बोलते हैं, एल्गोरिथम भी बोलते हैं ज़्यादातर है, बट हमें सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर, लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, माइनस करते हैं, क्या होता है यहां पर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, और माइनस करने के बाद जो बचता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्वोशेंट डिविडेंड, अब हम इसमें डिविडेंड को हमने बोला ए, डिवाइजर को बोला बी, क्वेश्चन को बोला क्यू, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया, रिमाइंडर को आर। अब हम डिवीजन के अंदर जब देखते हैं कि दो नंबर्स का, दैट इज वी नो, हमें यह भी मालूम है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यह है। अब डिविडेंड को हमने बोला ए, डिवाइजर हमारा पास बी है, क्वेश्चन हमारा क्यू है, रिमाइंडर है आर। हम जब किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हम ये कंडीशन एक याद रखना है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम करते हैं तो छोटे बच्चे जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि 28 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो छोटी क्लास के अंदर या टेबल बोलते हैं तो 5 1 5 5 2 10 और 5 की टेबल बोलते हैं कि भाई 28 से, तो आपने देखा 5 5 25 बोल दिया और आप यहाँ रुक जाते थे। ज़्यादातर क्या होता था, ये रिमाइंडर बच गया, टीचर ने आपको बोला ये राइट है तो आपने इसको राइट मान लिया। बट कभी कभार देखा होगा जब कभी 28 है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 से जब डिवाइड करते हैं
तो ऐसे लिख देते हैं 5 4 20 और ये माइनस किया 8 बच गया, तो इसको रॉन्ग किया जाता है। छोटे बच्चों को बोले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो मतलब कंडीशन है कि R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B, छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि किसने कहा था, वो कहेगा हमारी टीचर ने कहा था कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। बट आज हम 10th क्लास के अंदर हैं तो हमें मालूम चल गया कि कोई भी डिवीजन जब करेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये है A हमारा 28 है, B हमारा 5 है, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स इट विल गो, और 5 बार जाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, बट इट विल बी लेस देन बी, तो बी क्या है यहाँ पर 5 है, तो रिमाइंडर यहाँ है 3, इसके अलावा हमारा डिवीजन राइट है। क्लियर समझ में आ गया? तो यूक्लिड डिवीजन कहता है दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम यहां पर देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन डिवीजन मेथड टू फाइंड एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। अब डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं और इसके बाद हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर चेंज करना। एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। एचसीएफ निकालना है तो हमारे पास क्वेश्चन आया फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। अब ये नंबर चेंज होके आते हैं तो जनरली बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं। हमें क्या करना है इसको यूक्लिड डिवीजन फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ 135 एंड 225। तो हम इसमें जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हुए चले तो हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे 225 ये हो गया 135 से डिवाइड करेंगे 225 को 135 से, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, ये एक बार गया तो ये 135। 5 - 5 = 0, 12 - 3 = 9 ये आ गया तो 90 बचा। तो हमने सबसे पहले स्टेप ये स्टेप्स लिख दिया और स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या लिखी कि 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90। ये पहली स्टेप हो गई। इसको हम देखेंगे कि 90 तो ये कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया था तो 90 आया। फिर हम इसको देखते हैं कि 90 फिर 135। ये हम 4th क्लास के अंदर पढ़ते हैं बट बच्चे आज भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 90 - 1 = 90, 5 - 13 - 9 क्या आएगा 4। तो सेकेंड स्टेप हमारी क्या हो गई कि 135 दैट इज 90 × 1 + 45। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप के लिए हमें आगे बढ़ना है, 92 times जाएगा 45 × 2 = 90 तो ये देखिए ये एक बज गया। तो थर्ड स्टेप हो गई आपकी
90 can be written as 45 into 2 plus 0. यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह से एक एरो लगा लें तो इससे पता चलेगा कि एचसीएफ क्या है. लास्ट डिवाइजर जो है वो आपका एचसीएफ है, और लास्ट में यहां पर लिखा जाएगा एचसीएफ क्या आएगा, 135 225 is 45. दिस विल बी द आंसर. बोर्ड में ये वाला जो क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये एक चीज ध्यान रखें, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करें और स्टेप बाय स्टेप. ये जो रफ वर्क है वो राइट हैंड साइड में करना है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये स्टेप्स है. और अगर आप मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके 100% इस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे. कैसा भी क्वेश्चन हो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं. नंबर्स तो आप कितने भी चेंज कर लीजिए, कोई भी नंबर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 91 एंड 182. Find the HCF and LCM of 91 and 182 by prime factorization method. Prime factorization method. अब इसके अंदर देखिए solution. 91 के prime factors क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए. 91 के फैक्टर्स निकालना है तो क्या आएगा, 7 into 13. 182 के फैक्टर्स निकालने हैं, 182 क्या होगा, 2 into 7 into 13. अब यहां पर देखेंगे एचसीएफ 91 182, इसके अंदर कॉमन क्या है, 7. देखिए छोटी क्लास के अंदर मैम क्या करती थी कि ये बॉक्स बनाती थी, 7 है और इसके बाद 13 कॉमन है. देखिए दोनों में 7 आ रहा है तो ये 7 ले लिया, दोनों में 13 आ रहा है तो ये आपका 7 into 13 क्या हुआ, 91. एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो गया आपका 91 और 182 का, तो 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा. कहने का मतलब है एलसीएम के अंदर सारे नंबर आते हैं और हमने इसको देखा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 182 आ गया. तो क्या होता है, रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर दैट एलसीएम इज डिविजिबल बाय द नंबर्स ऑफ विच वी आर टेकिंग एलसीएम. हम जिसका एलसीएम लेते हैं उन नंबर से एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल होगा. एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ विच वी आर टेकिंग एलसीएम. हमने जिसका एलसीएम लिया है उससे वो डिविजिबल होगा. तो इसके बाद यूक्लिड्स, अब इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसके अंदर क्वेश्चंस हार्ड है, बच्चे उसी एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है टेंशन में आ जाते हैं कि सर पहली एक्सरसाइज हार्ड है और उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज भी 1.3 भी हार्ड है तो ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है. बट मेरा अनुमान है
कि अगर हम इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी दिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम के अंदर कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 91 एंड 182। ऑल्सो वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इससे वेरीफाई करने के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 91 एंड 182। ऑल्सो वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सॉल्यूशन तो यहां पर देखा 91 दैट इज 7 इंटू 13, 182 2 इंटू 7 इंटू 13, HCF 91 182 ये आएगा 7 इंटू 13 दैट इज 91, LCM 91 182 दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज 182। यहां लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपने लिखा पहले LHS लिखेंगे, LHS क्या है, HCF इंटू LCM, और RHS जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां देखते हैं HCF हमारा हो गया 91 इंटू 182, और यहां आप देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है 91 इंटू 182। तो यहां देखेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ रफ करना है 182 मल्टीप्लाई बाय 91, 1 2 2 8, फिर ये आ गया 9 2 18, 1 9 72, 3 7 1 16। मल्टीप्लिकेशन एक बार और चेक कर लें, 1 2 2 8, 1 9 2 18, 1 72, 3 7, प्लस किया 5 6, 16 5 6 2, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है 16 5 6 2, और इसके बाद 16 5 6 2। तो यहां देखा हमने LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। अब आप देखेंगे इसी क्वेश्चन पर सिंपल क्वेश्चन और बन सकते हैं, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं HCF इंटू LCM। तो कह सकते हैं वो HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा HCF ऑफ टू नंबर्स इज 91 एंड LCM इज 182। वन नंबर इज 91, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं
ऐसा नहीं है कि मेरे को, मतलब आप लोग भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और इस क्वेश्चंस को अगर हम किसी भी दूसरी बुक से भी पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि भाई ये क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो गई। लेट द अदर नंबर, अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ये हमने लिख दिया। फाइंड क्या करना है, अदर नंबर, तो हमने लिख दिया फाइंड द अदर नंबर है तो हमने लिख दिया लेट द अदर नंबर बी एक्स। अगर एस सी एफ फाइंड एस सी एफ होता तो लिखते लेट द एस सी एफ बी एक्स, और अगर फाइंड एलसीएम बोलता तो फाइंड द एलसीएम बी एक्स। तो ये हमारे पास एक, फिर इसके बाद गिवन वन नंबर इज 91, एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 91, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। देन यू राइट वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एससीएफ एंड एलसीएम। ये चीज का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 91 इंटू एक्स इक्वल टू 91 इंटू 182, एक्स इक्वल टू 91 इंटू 182 अपॉन 91, दिस 91 कैंसिल, सो एक्स इक्वल टू 182। एग्जाम के अंदर देखिए ये इस तरह से बॉक्स बनाकर आंसर को हाईलाइट करें और लिखने का तरीका देखिए, कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना लेट द अदर नंबर बी एक्स पहले लिखना है, लास्ट में नहीं लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लास्ट ये ऊपर नहीं लिखते हैं बच्चे, कुछ बच्चे को फिर लास्ट में लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास आता है कि देखिए क्वेश्चंस के अंदर ये भी आता है, एस सी एफ एल सी एम के बाद हमारे पास इसके अंदर सबसे जो हार्ड क्वेश्चन है अब आता है, शो दैट यूक्लिड डिवीजन के अंदर कि स्क्वायर, क्वेश्चन है शो दैट द शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 where q is positive integer where q is some positive integer show that any positive integer is in the form of 3q plus 1, 3q plus 2, where q is some positive integer। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं देखेंगे आपसे पूछ सकता है 3q plus 1 इवन है तो इवन बताना है, कहीं पूछता है 2q plus 1 आता है, कहीं 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4 आता है, कहीं 6q से आता है। इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहां पर स्क्वायर और क्यूब नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखिए शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना ये क्वेश्चन के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर है
तो स्क्वायर के क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है 3m और 3m प्लस 1, क्यूब है तो क्यूब के अंदर दिया गया है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये चीज ध्यान रखनी है। और एग्जांपल्स देखते हैं तो एग्जांपल के अंदर हमारे को दिया गया है 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, और इसके बाद एक और एग्जांपल दिया है इसमें 2q और 2q प्लस 1 दिया गया है। तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए ये चीज आप देखें। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है इस तरह का तो यहां लिख दें थोड़ा सा वी नो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया कि ये 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 नहीं दिया, उसने बोल दिया 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 ये दे दिया, q को हटा दिया और उन्होंने लिख दिया वहां पर वेयर m इज द सम पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन को हम है ना बिना सोचे समझे देखा, सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाता है देख। तो सबसे पहले तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया यूक्लिड डिविजन लेमा स्टेट्स दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक नंबर में पक्का क्वेश्चन आएगा इस बार कि भाई ये कंडीशन क्या है, और मैक्सिमम बच्चे इसी कंडीशन को गलत कर देते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां पर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लेट अब जो दिया गया है उसको लिखा ए इक्वल टू 3q। अगर हम 3q प्लस 1 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a इक्वल टू 3q लिया है क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने 3 स्क्वायर क्यूब कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए हम a इक्वल टू 3q से स्टार्ट कर देंगे कोई। फिर इसके बाद इसके अंदर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, तो सर इसमें रिमाइंडर क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो 0 रिमाइंडर है, इसलिए हमारी जो कंडीशन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 ये सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए हमने यहां लिखा आर विल बी इक्वल टू 0, 1 और 2, आर लेस देन 3 बोला है तो आर की वैल्यू 0, 1, 2 आ गया। तो यहां पर लिखा व्हेन आर इक्वल टू 0 देन ए क्या होगा 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q, इसको हम बोलेंगे ये 3 का मल्टीपल है इसलिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां साइड में लिख दीजिए इंटीजर। फिर व्हेन आर इक्वल टू 1 देन ए क्या होगा 3q प्लस 1। अब ऑड में अगर एक जो ऐड करते हैं तो क्या बनता है इवन नंबर, तो हम इसको लिख देंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसके बाद व्हेन आर इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2 होगा 3q प्लस 2, तो ये यहां पर आ गया, तो ये आ गया आपके पास इवन के बाद एक ऐड कर देंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यू कैन से दैट हेंस, कभी कभी ये पूछ लेता है वैसे लिख देंगे हेंस प्रूव लिख दें, या इसको ये भी पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि 3q और 3q प्लस 2 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कभी कभार ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको अभी यहां पर खाली मैंने पूछा क्या है
वही जवाब देना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, पूछा जाए तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। इसने बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q, तो आपको तीनों चीजें बतानी होगी। और ये चीज क्या है, अगर उसमें से बोलता है कि ऑड वाले ही बताओ तो आप ऑड वाले बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, यही क्वेश्चन में होता है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे ये देखिए क्वेश्चंस, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। और बाकी इसको कैसे करना है ये देखिए, ये बोला है स्क्वायर इज इन द फॉर्म, तो अगेन वही चलेगा इसके अंदर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। इसके बाद स्क्वायर करने के बाद इस फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने यहां लिखा लेट ए इक्वल टू 3q। ये क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसको स्क्वायर करने के बाद किस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1। तो ये यहां पर क्या हो गया, b की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3, b इज 3। और यहां पर देखते हैं तो जो कंडीशन थी हमारी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, तो इसका मतलब हो गया r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। अब इसने बोला when r equal to 0 then a equal to क्या है 3q plus 0 that is 3q, तो हमने बोला square, तो a square that is 3q का whole square that is 9q square, but किस में बदलना है हमें, या तो 3m या 3m plus 1, तो हमने लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर दैट इज 3m हो गया। ये ध्यान रखना है स्क्वायर किस फॉर्म में आ जाए, 3m। और फिर इसके बाद व्हेन r इक्वल टू 1 देन a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करना है a स्क्वायर दैट इज 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये देखिए 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 इंटू 3q तो ये आएगा 6q, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1। तो ये ध्यान रखना है, तो ये हमारे को किस में बदलना है, इन दोनों में से, तो आपने 3 कॉमन लिया तो बचा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। मैक्सिमम बच्चे इस, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, मैक्सिमम बच्चे यहीं छोड़ देते हैं। आपने अगर इस क्वेश्चन को छोड़ा है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो ये मान के लिए आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास तीसरी कंडीशन और है, वो है
टू की, उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखें। फिर इसके बाद आता है व्हेन आर इक्वल टू टू देन ए क्या होगा थ्री क्यू प्लस टू, तो ये हो गया ए स्क्वायर क्या होगा थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर दैट इज नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर। अब इसमें यहां पर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू फोर कैन बिटवीन एज थ्री प्लस वन, तो इसके अंदर से फिर वापस कॉमन लिया आपने थ्री कॉमन लिया तो बचा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन दैट इज थ्री एम प्लस वन। ये देखिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम के अंदर, और आप देखेंगे कि कुछ बच्चे 99 पर आके रुक गए, 80 में से 79 मार्क्स आए और एक नंबर यहाँ पर कट जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं दो से, सर वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई दो ही हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई दो दिए गए हैं बट निकालना तीनों है, इसलिए इसका तो क्या बोलेंगे हैंस वी से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये भी बहुत एक कहा है, अब क्यूब के अंदर केस में भी आ जाता है कि क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 2 और 9m प्लस 8। तो क्यूब वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, अगर यहां पर 9m मतलब स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया या 9m आ जाए 9m प्लस 1 आ जाए 9m प्लस 8 आ जाए, जो एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन है उस चीज को ध्यान रखना है कि किस तरह से, तो वो भी सेम क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही होगा, बट ये ध्यान रखना है जहां ए स्क्वायर है वहां क्या आएगा ए क्यूब आएगा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री क्यू का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, और उसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे। एक बार एक स्लाइड के अंदर मैं बता देता हूँ क्यूब वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए क्यूब, तो ए क्यूब में आपने लिखा थ्री क्यू का होल क्यूब, तो ये कितना हो गया बेटा 27 क्यू क्यूब। अब 27 क्यू क्यूब को क्या लिखा आपने 9 इंटू थ्री क्यू क्यूब, और ये हो गया 9m। दूसरा ए क्यूब को लिखा फिर दोबारा ए क्यूब, तो ये आएगा थ्री क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। आधे बच्चों को तो यही फॉर्मूला याद नहीं आता a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, एक दैट इज थ्री क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू थ्री क्यू का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू थ्री क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज ये जो एक्सपेंशन है वो a प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हमें याद है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर से खोला गया है, तो ये एक्सपेंशन अपने दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसमें देखा कि ए क्यूब हमारे पास क्या है 27 क्यू क्यूब प्लस 1, ये हो गया प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, तो हमने देखा ए क्यूब कैन बी रिटन एज 27 क्यू क्यूब
प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। तो ये हमारे पास, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो a क्यूब को क्या चेंज कर दिया, 9 3q³ प्लस 3q² प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज 9m प्लस 1। ये हमारे पास ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 आ गया। इसके बाद और आगे देखते हैं, तो दूसरा जो ला है 3a³ इक्वल टू ये आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये भी एक एक्सपेंशन है a प्लस b का होल क्यूब, और इसको हमने लिखा है 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 × 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 × 3q × 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल क्यूब। इसके बाद इसको खोला, 27q³ प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 2 54q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 36q। फिर यहाँ देखा 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। तो यहाँ देखते हैं इसके अंदर 9 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो ये हो गया हमारे पास 9m प्लस 8। तो देखिए क्यूब करने के बाद क्यूब इज इन फॉर्म क्या आएगा बेटा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कहीं कहीं अब रिफ्रेशर में ये भी देखते हैं कि बिट से डिवीजन का आ गया, 3 से डिविजिबल है तो 3 के मल्टीपल ही लगेंगे। अगर मान लीजिए 5 आ गया, 5 से डिविजिबल का क्वेश्चन आ जाता है तो 5 के मल्टीपल चलते हैं, तो 5 के मल्टीपल अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, 5q आएगा, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4 आएगा, और उनका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे, और डिविजिबल बोलेगा तो फिर डिविजिबिलिटी की कंडीशन लगा देंगे। ये इस चैप्टर के अंदर अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सबसे हार्ड यही माना गया है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है या कोई भी नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो सब ये एक फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 6 के फैक्टर्स हैं तो कुछ बच्चे बोलेंगे 2 × 3 बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे 3 × 2। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट द प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, यूनिक होगा, कोई भी इसको चेंज नहीं करता है। थैंक यू। और ये पहले जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक में लेक्चर था उसकी कंटिन्यूटी है, इस चैप्टर को पढ़ें और इसके बाद इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसके जो भी कमेंट्स हैं वो लिखकर भेजें। थैंक यू।